जैसे पता ही है कि हमारा जो चैप्टर है वो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है, और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज जो हमारा टॉपिक है, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आज ये वाला टॉपिक ही स्टार्ट कर दिया जाए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रंटिंग, राइट। तो एक बार टॉपिक का नेम देख लेते हैं, ग्रंटिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो ग्रंटिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? ग्रंटिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि एक टाइप का एश्योरेंस होता है, A-S। एश्योरेंस का मतलब यह है कि पार्टनर्स को, जो पुराने पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या जो नया पार्टनर है, उसको ये गारंटी दी जाती है कि आपका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कम से कम इतना होगा, अगर इससे कम होगा तो जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो अपने अपने प्रॉफिट में से जिस पार्टनर्स को गारंटी दी जा रही है उसका शेयर पूरा कर दिया जाएगा। एक बार दोबारा कह देते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स को या जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो अदर पार्टनर्स हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट में से कम इतना होगा, अगर इससे कम हुआ तो बाकी पार्टनर या कोई उसमें से एक पर्टिकुलर पार्टनर, जो भी केस हो सकता है आगे जाकर, वो उसके प्रॉफिट को पूरा कर देगा जिसका प्रॉफिट की कम आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है और सी को हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट राइट 30,000 होगा। तो जब हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करा, ध्यान से सुनने वाला है कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, तो हमने सी को गारंटी दे दी ए और बी ने मिलकर कि आपका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। अगर 30,000 से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर, मान लीजिए कि उसका जो प्रॉफिट है वो 25,000 आता है, किसका? सी का। तो बाकी के जो 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो वो ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे, या जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन रेशो होगी उसमें वो अपने 5,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करकर सी को दे देंगे और सी के पूरे 30,000 रुपए हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने सी को गारंटी दे दी कि आपका जो कम से कम शेयर है वो 30,000 रुपए होगा, अगर 30,000 रुपए से कम होगा तो वो पूरा कर दिया जाएगा जैसे क्वेश्चंस की डिमांड होगी। अगर ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं तो ए और बी अपने प्रॉफिट में से निकालकर 5,000 रुपए उसको दे देंगे दोनों मिलाकर, और अगर बी खाली कहता है कि मैं गारंटी दूंगा तो बी अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए निकालकर सी को दे देगा, और अगर ए कहता है कि चलो भाई इसकी गारंटी मैं दे दूंगा तो वो सी को 30,000 रुपए पूरे करके दे देगा। अब इसमें तीन सिचुएशंस आ सकती है, और उन तीन सिचुएशन में जाने से पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं जो बातें मैंने आपके सामने की है। ओके, गारंटी और प्रॉफिट। गारंटी इज एन एश्योरेंस, ध्यान से देख ले, ये एश्योरेंस है दैट एन एग्जिस्टिंग और एन इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट लेस देन द ग्रंटेड अमाउंट। जैसे अभी मैंने आपको ग्रंटेड अमाउंट बताया कि तीन पार्टनर है ए बी सी, और सी को मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 30,000 रुपए मिलना चाहिए। तो ये सी का ग्रंटेड अमाउंट हो गया। इट मीन्स दैट इन केस हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द ग्रंटेड, और मान लीजिए कि ये इसका ग्रंटी शेयर है, ग्रंटी शेयर 30,000 का ग्रंटी शेयर, लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो अगर इसका एक्चुअल प्रॉफिट 25 आ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट 25 है और गारंटीड कितना है 30,000, इट मीन दैट इन केस और सच ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट देन ही विल बी कंपनसेटेड, और उसको कंपनसेटेड कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारा केस है कि सी को हमने टोटल 30,000 रुपए देने हैं, तो इसका मतलब हम सी को 25,000 रुपए तो देने ही देने थे, साथ में 5,000 रुपए पूरे करके कितने रुपए दे देंगे? 30,000, क्योंकि हमने सी को गारंटी दी है कि हम आपका जो शेयर है वो 30,000 रुपए पूरा कर देंगे, ये गारंटीड शेयर है बोल रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 25, तो हम उसमें 25 में 5 मिला देंगे तो टोटल उसका 30 ही हो जाएगा।
सच ए ग्रंटिंग मे बी गिवन आइदर बाय। अब इसके ऊपर तीन सिचुएशन बनती हैं, तो सिचुएशन वर्ड को ध्यान देंगे, धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, अभी अभी जैसे मैंने बोला देर आर थ्री पार्टनर ए बी सी, सी को हम गारंटी दे रहे हैं ए और बी मिलकर, तो सी को गारंटी दी जा रही है, सुन लेंगे सी को गारंटी दे रहे हैं ए और बी अपनी एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 3:2 हो सकती है और 2:1 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी एक रेशियो एग्रीड रेशियो को क्वेश्चन में दे रखा होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, अभी अभी हमने इसमें सिचुएशन ली ए बी सी राइट, तो सी को हम गारंटी दे रहे हैं, तो सी को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इस बार यहां पे जो गारंटी दे रहे थे वो ए और बी दे रहे थे, यहां पर सी को जो गारंटी दे रहा है वो सिर्फ ए दे रहा है, सी को जो गारंटी दे रहा है वो ए दे रहा है, बी गारंटी नहीं दे रहा है, ए गारंटी दे रहा है बी नहीं दे रहा है, इसमें ए और बी दोनों गारंटी दे रहे थे राइट। अब हम आ जाते हैं टू और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर बट नॉट ऑल ऑफ देम, क्या मतलब, यहां थोड़ा हम केस बढ़ा लेते हैं ए बी सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल ई को गारंटी दी जा रही है कि आपका शेयर इससे कम नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या करते हैं ये तीन पार्टनर जो है ये गारंटी दे रहे हैं राइट। देखो केस का नाम क्या है, टू और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर बट नॉट ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब तीन पार्टनर दे रहे हैं, डी बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहा है, डी कहता भैया मैं गारंटी नहीं दूंगा राइट। अब सिचुएशन क्या आती है, अब स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बर्डन ऑफ गारंटी, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है कि गारंटी कौन देगा, देन द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर नहीं बता रहे हैं तो तीन पार्टनर है, अगर इसमें तीन पार्टनर है ए बी सी राइट और सी को हम गारंटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि कौन कौन गारंटी दे रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ए और बी उसको गारंटी दोनों मिलकर दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब आपने देख लिया कि मैंने आपको बता दिया कि गारंटी के बारे में क्या क्या होता है, तो गारंटी के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं और सी को हम गारंटी दे रहे हैं 30,000 के राइट, फॉर एग्जाम्पल देर आर थ्री पार्टनर ए बी सी और सी को हमने गारंटी दी है 30,000 रुपीज की, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि अगर सी को 40,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहे हैं, ये तो उसका गारंटीड हो गया 30,000 और सी का जो एक्चुअल प्रॉफिट बन रहा है, जो एक्चुअल शेयर बन रहा है वो 40,000 रुपए आ गया, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा अगर उसका ज्यादा बन जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उसको हमने ग्रंटेड शेयर 30,000 दे रहे हैं लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 आ गया, तो हम उससे वापिस नहीं लेंगे, हम जो 40,000 रुपए वही उसको दे देंगे और फिर उसमें कोई डेफिशिएंसी आएगी नहीं राइट। जैसे ए और बी दो पार्टनर है वो मिलकर सी को गारंटी देते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो 30,000 होगा, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाला तो सी का 40,000 कैलकुलेट हो गया, तो अब हम सी को जो है 30,000 में से 30,000 नहीं देंगे, उसको 40 के 40 ही दे देंगे, ऐसा नहीं कि उससे 10 वापस ले लेंगे, अगर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा, जैसे आप मेरे पास यहां पर पढ़ने आए हैं तो मैं आपको बोलूं नहीं आपके 80% मार्क्स की गारंटी है तो ये आपके 90% और आपके आगे 95 मार्क्स, तो मैं आपसे 5 मार्क्स वापिस थोड़ा ले लूंगा, तो मैंने आपको ये बोला है कि आपको एक गारंटी दी जा रही है, अगर उससे ज्यादा आ गए तो वो ज्यादा वाले ही देंगे, व्हिच एवर इज हायर राइट। It must be noted that it is the actual shares of the partner who has been granted, जिसको गारंटी दी गई है, who has been granted or a minimum amount, इनको आप भी अंडरलाइन कर लेंगे, is more than the granted amount, is more than the granted amount, then he will be given actual shares of profit, it means such a partner gets the granted amount or actual shares of profit whichever is highest. तो अब हमने क्या करा, ध्यान से सुने, G for granted,
गारंटी कितनी है 30,000 राइट। एक्चुअल एपी का मतलब क्या है, एक्चुअल शेयर, या हम इसको कह देते हैं एक्चुअल शेयर। एक्चुअल शेयर आया 40, तो अब इसका रूल क्या बन गया, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, विच एवर इज हायर, तो दोनों में से हायर कौन सा है, दोनों में से कौन सा हायर होगा, 30,000 छोटा है 40,000 बड़ा है, तो आपने उसको 40,000 रुपए ही दे देने हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा राइट। एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें दो मेथड आएंगे, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और सेकंड मेथड है व्हेन जनरल एंट्रीज आर टू बी पास्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे ही बना लें जैसे आप सीख चुके हैं पहले शुरुआत में, और जनरल एंट्री इसमें क्या पास होगी, दो जनरल एंट्रीज पास होगी, ये ध्यान से सुन लें। पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी एंट्री भी आपको आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी राइट, इसकी एंट्री हो जाएगी। द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, 3:1 हो सकती है, 4:3:2 कुछ भी हो सकती है जो आपको मालूम है, और व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इट मींस इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एंट्रीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ध्यान से देखें एंट्री में क्या फर्क है। अब फॉर एग्जांपल कि हम इसमें ये कह लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर है, इसका जो ग्रंटेड शेयर है वो 30 है लेकिन 25 आ रहा है, तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं राइट। दिस इज द ग्रंटेड अमाउंट और दिस इज द एक्चुअल शेयर्स, तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, ये डेफिशिएंसी हो गई, तो ये डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी, ध्यान रखें डेफिशिएंसी। तो पार्टनर जो पार्टनर बोन करेंगे ए और बी दोनों बोन कर रहे हैं डेफिशिएंसी, और सी को हम गारंटी दे रहे हैं 30,000 की, कितने रुपए कम पड़ गए 5, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, यहाँ पे लिखा हमने गारंटियर पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, और यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल यानी कि गारंटीड पार्टनर जिसको गारंटी दी जा रही है, तो सी को 5,000 रुपए और मिल जाएंगे यहां पर राइट। यहां दोनों को मिला के दोनों बोन्ड कर लेंगे अपनी रेशो में, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी। हम अपनी जो गारंटी का जो टॉपिक आया वो आपने समझ लिया है उसको थ्योरेटिकल, अब हम वो जो सिचुएशंस आपको बताए थे 1, 2, 3 जो एक सिचुएशन थे वो अभी आप देखिएगा, और उन सिचुएशन को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है, जो पहला क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है कि फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है और सी को ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं, यानी कि पूरी फॉर्म मिलकर गारंटी दे रही है सी को। पहली प्रॉब्लम हमारी है कि ए और बी मिलकर सी को गारंटी देंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। गारंटी बाई ऑल पार्टनर और बाई फॉर्म इन द ओल्ड रेशो सिचुएशंस, ये ध्यान रख लेना, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1:1, ये चीज ध्यान रखें कि रेशो जो आपके पास है वो 3:1:1 है, ये ओल्ड रेशो है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी इज टू गेट मिनिमम ऑफ ₹10,000, सी को हम गारंटी दे रहे हैं ए और बी मिलकर, एफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर एवरी ईयर, द नेट प्रॉफिट फॉर 31 मार्च ₹40,000, जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है वो 40,000 दे रखा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ध्यान रखना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बेटे अब आपने क्वेश्चन ध्यान से देख लिया बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है कि सी को आप 10,000 रुपीज देने की गारंटी दे रहे हैं और आपके पास जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, तो सबसे पहले आपके पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आप देखें 40,000 है आपके पास। अब ये 40,000 को हमने इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी और सी, इनकी रेशो दी हुई है 3:1:1:1, ध्यान से देखें 3:1:1, अब इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000
इंटू थ्री बाई फाइव, राइट, पांच से काट देंगे, बी 40,000 इंटू वन बाई फाइव 8,000, राइट, ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे 40,000 इंटू वन बाई फाइव 8,000। तो इसमें आप देखेंगे कैलकुलेशन में मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, 40,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 40,000 को 3:1:1 की रेशियो में 3 और 1 4, 4 और 1 5 होते हैं, तो कैसे आया 3/5, 1/5, 1/5, तो इसका मतलब 24, 8, 8। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो तीनों का जो शेयर है वो 40 ही बनेगा। लेकिन आप देखेंगे कि सी की जो गारंटी अमाउंट था, जो गारंटी प्रॉफिट था, वो क्या था? गारंटी प्रॉफिट, यस, गारंटी प्रॉफिट था 10,000 और लेस सीज एक्चुअल शेयर्स कितना है आपका, ये एक्चुअल शेयर्स है 8,000, राइट, तो 8,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2,000 डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ गई ये डेफिशिएंसी, 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ है कि डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा, तो डेफिशिएंसी ए और बी बॉन्ड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में साइलेंट है। और कौन सी रेशो में बॉन्ड करेंगे, तो ये जो डेफिशिएंसी है ये बॉन्ड करेंगे, ये बॉन्ड कौन करेगा, ए एंड बी। और कौन सी रेशो में करेगा, रेशो है 3:1:1, तो रेशो कितनी आ जाएगी आपकी 3:1, ये बच गई क्योंकि आपके पास रेशो दी हुई है, ध्यान से देखें 3:1:1, इसको छोड़ दें तो बाकी रेशो क्या बच गई, 3:1, तो 3:1 में बांट देंगे तो ए डेफिशिएंसी कितनी बॉन्ड करेगा, यस 2,000 × 3/4, और बी कितनी करेगा 2,000 × 1/4, इसके हो गए 1,500 और इसके हो गए 500, राइट। अब सबसे पहले सिचुएशन पे आ जाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले यहां लिख लेंगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, दैट इज गिवन, ये आपको गिवन है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा, कोई सैलरी नहीं दे रखा, तो सीधा लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए। ए का पहले प्रॉफिट क्या आया था, ध्यान से देखें, जो पहले प्रॉफिट आया था वो रख दो, पहले प्रॉफिट आया था 24, बी का प्रॉफिट क्या आया था 8,000 और सी का प्रॉफिट क्या आया था 8,000, यही आया ना एक्चुअल शेयर 24,000, 8,000, 8,000, 24,000, 8,000। अब इसके बीच में आपने लाइन छोड़ देनी है, तो ए कितनी डेफिशिएंसी बोर्न कर रहे हैं, ये ध्यान से देखें, ये डेफिशिएंसी बोर्न कर रहे हैं ए और बी, तो माइनस हो जाएगा, कितने रुपीज माइनस हो जाएंगे 1,500, तो 1,500 माइनस कर देंगे तो इसको मिल गए 22,500, राइट 22,500। और बी कितनी डेफिशिएंसी कर रहे हैं, बी अपनी जेब से कितने रुपए देगा 500, तो इसको कितना हो गए 7,500। और ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी, और सी को कितना मिल जाएगा, सी को एक तो 1,500 मिल रहे हैं और एक कितना मिल रहा है 500, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 10,000। अब इसका आप टोटल कर लीजिए 40,000 रुपए हो गए, राइट, ओके। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी आपको करके दिखा देंगे कि एंट्रीज के साथ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, अगर हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो बना लिया, तो कभी कभी वो हमें क्या कह देते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ और या जनरल एंट्रीज भी बना लीजिए, या कभी कभी ये भी हो सकता है कि खाली हमें जनरल एंट्रीज बनाने के लिए दे दें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ना दें, या ये भी हो सकता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दे दें और साथ में कहीं जनरल एंट्रीज भी पास कर दें। तो हमने जो अभी अभी क्वेश्चन किया है उसको हम जनरल एंट्री भी उसकी सीख लेते हैं कि कैसे हम उसको करेंगे, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है शायद। तो आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने वही रखा है और आपका जो वर्किंग नोट है वो भी सारे वैसे का वैसे ही बनेगा आपका, जो आपने बनाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सेम वही जो अभी आपने यहाँ देख रहे हैं। तो अब इसमें जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, जनरल एंट्रीज अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, सबसे पहले आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह हम जनरल एंट्रीज पास कर देंगे, ये जो पहले प्रॉफिट आए हैं पहले इनसे एंट्री बना लेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट
टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000। तो 40,000 को पहले एक्चुअल्स वाले में बांट दीजिए 24,000, 8,000 एंड 8,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको हमने रेशियो में बांट दिया कौन से वाले 3:1:1। तो ये आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे 2,000 रुपए सी के कम पड़ रहे थे, तो किसको बेनिफिट होगा? सी को बेनिफिट होगा और ए और बी को लॉस होगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, गारंटी कौन से पार्टनर दे रहे हैं? ए और बी। तो उनको नुकसान होगा, तो उनको डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गारंटी दे रहे हैं उनको डेबिट करेंगे। टू बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गारंटी किसको दी जा रही है? टू सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको हम 2,000 रुपए और दे देंगे। तो ये डेफिशिएंसी मेट हो रही है। तो ये एंट्री किस चीज की है? डेफिशिएंसी मेट। तो डेफिशिएंसी मेट करेंगे, ये जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 2,000 रुपए आए थे, 2,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 1500 ए बोन करेगा और 500 ए, और टोटल सी को कितने रुपीज मिल जाएंगे? 2,000। अब आप देख सकते हैं इसको 8,000 रुपीज मिले थे, सी को 8,000 रुपीज मिले थे, क्रेडिट किया था हमने, तो 2,000 से क्रेडिट और कर दिया, तो क्रेडिट प्लस क्रेडिट इक्वल टू क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, अब हम एक ऐसी सिचुएशन सॉल्व करने जा रहे हैं जो सिचुएशन नंबर 2 है, और जिसमें सारे पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बोर्न नहीं करेंगे, उसमें जो पार्टनर है कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर डेफिशिएंसी बोर्न करेगा। जैसे कि 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो अगर हम जेड को डेफिशिएंसी दे रहे हैं, तो जेड में जो कमी आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो पैसा कम पड़ रहा है, तो एक्स और वाई मिलकर नहीं दे रहे हैं इस बार या तो एक्स वो डेफिशिएंसी बोर्न करेगा या वो वाई डेफिशिएंसी बोर्न करेगा। और इस सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 तरह की सिचुएशन रखी है कि इस बार हमें जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो 2 बनाने हैं। जैसे एक 2017 का बनाएंगे, एक 2018 का बनाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिए हैं, वो देखेंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अब हम उसको आगे देखते हैं। गारंटी बाय वन पार्टनर, अब इसमें पूरी फॉर्म नहीं है, तो ये सिचुएशन नंबर आपकी क्या हो गई? अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपने असाइनमेंट में देख रहे हैं साइड बाय साइड, तो ये सिचुएशन नंबर 2 हो गई आपकी। X and Y Z are partner in a firm, their profit sharing ratio 3:1, however Z is granted। तो यहाँ पे हम Z को गारंटी दे रहे हैं, ध्यान रख लें, ₹15,000, 15,000 से कम नहीं होगा। Any deficiency arising on that account shall be met by Y। इसको X और Y नहीं ले रहे हैं, बल्कि खाली Y ले रहे हैं, ध्यान रखें Y। The profit for 2 years, आपके पास 2 साल के इस बारी प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये ध्यान रखें। इसका मतलब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 बारी बनाना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन हो गए मतलब आपके पास। 2017 ईयर्स का दे रखा है, 2018 60,000 एंड 90,000, ये 2017 के लिए है और ये 2018 के लिए। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि 90,000 आपको दिए ही नहीं हुए, राइट। अभी हम ये मान लेते हैं कि आपको 60,000 दिया हुआ है, 90,000 दिया ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले अभी आपने ले लिया 60,000 रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशो में? 3:1 की रेशो में। तो यहां आ जाते हैं 4:2017 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, 60,000 एक्स वाई जेड 3:1 की रेशो में। तो एक्स 60,000 इंटू 3/6, वाई 60,000 इंटू 2/6, जेड 60,000 1/6, 30,000 20,000 एंड 10,000। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जेड को मिनिमम कितना अमाउंट देने का प्रॉमिस करा है। हमने जेड को मिनिमम अमाउंट जो प्रॉमिस करा है वो हमने 15,000 रुपए करा है, 15,000। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जेड का जो एक्चुअल शेयर है वो कितने रुपीज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो जेड का शेयर है वो 10,000 रुपए है, और जेड का जो गारंटी शेयर है वो 15,000 रुपए है। तो अब डेफिशिएंसी ऑफ जेड 15,000 - 10,000, दैट इज इक्वल टू 5,000। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ जेड ₹5,000 व्हिच मेट बाय एक्स और वाई, जिसका नेम दे रखा होगा, तो मेट बाय वाई। अगर एक्स लिखा होता तो एक्स बोन करता, इस बार ये एक्स और वाई दोनों बोन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाई बोन कर रहे हैं। तो 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, डेफिशिएंसी मेट बाय वाई, राइट, 5,000, तो मेट बाय वाई ₹5,000। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। आपको नेट प्रॉफिट 60,000 दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट्स, राइट, ट्रांसफर्ड टू
एक्स वाई जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो पहले हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो हमारे पास, वो हम देख लेते हैं उसको यहां पुट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने किया था तो एक्स को मिल रहे हैं 30,000, एक्स को 30,000 लेके पहले जो यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाई को 20,000 और जेड को 10,000। अब इसमें जो गारंटी है वो खाली वाई ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखें, मेरी जो गारंटी है वो वाई ले रहे हैं वाई, तो वाई में से हम माइनस कर देंगे, एक्स में से हम कुछ नहीं करेंगे, तो एक्स में से ना तो कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा, तो इधर कुछ नहीं होगा, इधर 30,000 के 30,000 आ जाएंगे, राइट, इधर कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, तो 30,000 आ गए। वाई 5,000 रुपए की डेफिशिएंसी बोर्न करेगा तो ये हो गए 15,000 रुपए, और जेड को 5,000 रुपए मिल जाएंगे क्योंकि इसकी मिनिमम गारंटी 15,000 होनी चाहिए, और टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे 60,000 ही रहेगा, 30, 15, 15। ओके फ्रेंड, अब आपने इसका देख लिया फर्स्ट पार्ट जो हमने 2017 वाला किया, हम इसी को 2018 में करेंगे जिसमें हमें जो प्रॉफिट है वो 90,000 गिवन है। तो इसमें मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इस बार जो गारंटी अमाउंट है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट के या तो इक्वल आ जाएगा जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, या हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज्यादा आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा तो फिर हम एक्चुअल प्रॉफिट ही दे देते हैं, जैसे कि अभी तक ये हो रहा था कि जो ग्रंटेड अमाउंट था वो ज्यादा होता था और एक्चुअल जो शेयर होता था वो कम होता था। इस बार ये ध्यान से सुन लें और नोट कर लें कॉपी के अंदर, इस बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो हमारा ग्रंटेड शेयर है और जो एक्चुअल शेयर है या तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर दोनों इक्वल भी हो जाते हैं तो कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हो गए, इस बार कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 20,000 रुपए कम से कम दूंगा और आपका एक्चुअल शेयर निकाला तो 20,000 ही निकल गए, तो आप 20,000 ले जा सकते हैं। तो इस बार या तो जो आपका ग्रंटेड प्रॉफिट है और जो एक्चुअल शेयर है बराबर आएंगे, और अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा आ गया तो तब भी वही दे देंगे, राइट। तो सिचुएशन को देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने वही है, सिचुएशन टू में ही चल रहा है क्योंकि इसमें भी एक ही पार्टनर गारंटी बॉन्ड कर रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, देखते हैं। फॉर 2018 में आपका प्रॉफिट 90,000 दिया हुआ है, ध्यान से सुन ले, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट 90,000 है, 3:1 की रेशियो में सेम वही 3:1, 90,000 को बांटेंगे 3/6, 45,000, 30,000 एंड 15,000। इस बार आप जेड का ध्यान से देखें, ये 15,000 आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड को हमने 15,000 रुपए देने हैं, तो इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि जो जी ए है वो आपका एक्चुअल शेयर्स के बराबर वाली सिचुएशन हो सकती है, या कभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, ग्रंटेड अमाउंट आपका बड़ा हो सकता है किससे, राइट, ये तो आपका होता ही होता है, यानी कि ग्रंटेड अमाउंट आपका छोटा भी हो सकता है एक्चुअल से, ये सिचुएशन भी आपकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमारी दोनों में से कौन सी सिचुएशन होती है। तो अब हम इसमें से देखते हैं, जेड के 15,000 आ गए, ग्रंटेड अमाउंट 15,000, एक्चुअल शेयर भी 15,000 है, मैंने आपको 15 देने थे, 15 ही आपके कैलकुलेट हो रहे हैं, तो मींस नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी अब बोर्ड नहीं करेगा भाई, तो हमारी ये वाली सिचुएशन एप्लीकेबल हो गई। तो शायद हम कभी बीच में क्वेश्चन लेंगे तो हमारी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो गारंटी अमाउंट है, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि एक्चुअल शेयर जो है वो आपका बड़ा भी आ सकता है, अगर एक्चुअल शेयर बड़ा आएगा तो फिर हम एक्चुअल शेयर ही दे देंगे, वो अभी हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी नेट प्रॉफिट 90,000, टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स वाई जेड, तो इस बार कोई डेफिशिएंसी नहीं निकली, टोटल करके देख लेते हैं, 90,000 एक्स का कितना अमाउंट है, 45,000, वाई 30,000, जेड 15,000, तो जेड को गारंटी शेयर भी 15 था, एक्चुअल भी 15 आ रहा है, दोनों बराबर है, इसलिए नो फाइट। ओके